नीट इस देश के 20 लाख से भी ज्यादा परिवारों का एक सपना और आपकी इस जर्नी में आपका साथ देने के लिए हमने कॉलेज रिव्यूज की एक ऐसी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम इंडिया के हर एक कॉलेज का रिव्यू करेंगे। हमारी इस जर्नी में मुझे आपका सपोर्ट एंड ट्रस्ट चाहिए। हेलो जी, तो स्वागत है आज की एक और वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अगरतला के बारे में। सो यार, ये इकलौता मेडिकल कॉलेज है त्रिपुरा स्टेट का। So in this video we'll cover everything about this medical college। तो भैया कितने नंबर पे तुम्हें मिलेगा, क्या लास्ट ईयर्स के रैंक्स रहे थे, फीस स्ट्रक्चर कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसी है, सब कुछ कवर होने वाला है आज की इस वीडियो में। तो चलिए यार हम शुरू करते हैं। So if we start with the highlights of this medical college, so this medical college was established in year 2005. Okay, तो लगभग इसको 15-16 साल, I mean 17-18 साल हो गए हैं लगभग। कम्प्लीटली गवर्नमेंट टाइप का ये इंस्टीट्यूट है एंड इट इज़ एफिलिएटेड टू त्रिपुरा यूनिवर्सिटी। ओके, एंड इट इज़ अप्रूव्ड बाय नेशनल मेडिकल कमीशन। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑफर्ड कोर्सेज के बारे में, तो भैया यहाँ पे यूजी में MBBS है, PG कोर्सेज में देर आर 20 कोर्सेज। ओके, एंड सुपर स्पेशलिटी कोर्सेज की अभी यहाँ पे कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है नहीं। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मेडिकल कॉलेज के एड्रेस की, तो यार अगरतला इज इन त्रिपुरा। ओके, एंड अगरतला रेलवे जंक्शन इज आर डिस्टेंस ऑफ अप्रोक्स 10.5 किलोमीटर्स फ्रॉम द कैंपस ऑफ दिस मेडिकल कॉलेज। तो कनेक्टिविटी वाइज तो ये मेडिकल कॉलेज सही लोकेशन पे है। अगर हम बात करें इस मेडिकल कॉलेज की ओवरऑल रेटिंग की, तो इट सिक्योर्स 3.8 रैंक ओके आउट ऑफ 5 और रेट बेसिकली। सो ये डेटा हमने पिक किया बहुत सारी कॉलेज रिव्यूज की वेबसाइट को देखने के बाद। फॉर एग्जांपल अगर 5 वेबसाइट को देखा और सारी 3 दे रही थी, तो एक एवरेज निकाल लिया कि भाई क्या एवरेज आएगा, राइट। सो इस तरह की 3.8 रेटिंग है इसकी, एंड आई थिंक एक मेडिकल कॉलेज के लिए 3.8 काफ़ी सही रेटिंग है। तो आपको इस मेडिकल कॉलेज की हाइलाइट्स कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे MBBS कोर्स के बारे में, तो यार नीट यूजी इज द एंट्रेंस फॉर टेकिंग एडमिशन इन दिस मेडिकल कॉलेज और गेटिंग एडमिशन इन दिस मेडिकल कॉलेज। ओके, यहाँ पे देर आर 125 MBBS सीट्स फॉर यू। एंड अगर हम बात करें इन सीट्स पे यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के बारे में, तो यार 36,000 पर ईयर की तुम्हारी यहाँ पे फी लगने वाली है। ओके, तो फी बहुत ज़्यादा नहीं है, बाकी स्टेट्स के मेडिकल कॉलेजेस के इक्विवेलेंट ही है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पे कट ऑफ के बारे में। तो ये है ऑल इंडिया काउंसलिंग के 2022 एंड 2023 के नीट स्कोर्स। ओके, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के, तो जैसे देखो जनरल कैटेगरी का स्कोर गया था 615 मार्क्स इन ईयर 2022 एंड इट वाज इंक्रीज टू 625 इन ईयर 2023। ओके, उसके बाद ओबीसी का था 610 नंबर 22 में एंड 2023 में हो गया था 621 नंबर। एससी का था 520 516, देन 462 एंड 505 नंबर। तो इस तरह यार तुम जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो, पोस्ट दिस वीडियो एंड चेक कि भाई तुम्हारा एडमिशन यहाँ पे लगभग होने वाला है या नहीं है। उसके बाद ये है हमारी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक का डेटा 2023 का। सो फॉर जनरल कैटेगरी यहाँ पे जो ओपनिंग रैंक थी वो 11,086 थी, क्लोजिंग रैंक यहाँ पे 16,252 रैंक थी, एंड वहीं ओबीसी कैटेगरी की यहाँ पे 16,288 थी ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक थी 17,824। वहीं एससी कैटेगरी की 91,554 थी ओपनिंग रैंक फॉर MBBS एंड क्लोजिंग रैंक थी यहाँ पे 93,484। वहीं लास्ट एसटी कैटेगरी की थी 63,636 ओपनिंग रैंक एंड 1,03,448 क्लोजिंग रैंक थी यहाँ पे बेसिकली। ओके, थोड़ा सा यार बहुत स्मॉल दिखता है मुझे, तो इस वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सो अब इन रैंक से तुम आइडिया लगा सकते हो कि तुम्हारा यहाँ पे इस साल एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। ओके, बात करें अगर हम त्रिपुरा स्टेट काउंसलिंग की, तो 2023 का ये डेटा है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 557 नंबर गए थे। तो इफ़ यू आर फ्रॉम त्रिपुरा ओके एंड तुम्हारे नंबर अच्छे खासे आते हैं, 600 प्लस आते हैं, तो यू कैन टारगेट दिस मेडिकल कॉलेज। ओके, उसके बाद एसटी का 344 था, तो बहुत ही कम था एसटी का यहाँ पे स्कोर। एससी का 476 था, ये भी बहुत कम है। ओके, सो यार इस तरह तुम जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो, पोस्ट दिस वीडियो एंड चेक इट केयरफुली कि वेदर यू विल गेट एडमिशन और नॉट। ओके, अब हम बात कर लेते हैं अच्छाज्ञान.com की। तो दिस इज अवर वेबसाइट एंड इफ यू हैव नॉट चेक दिस वेबसाइट येट, सो प्लीज गो ऑन गूगल एंड सर्च www.अच्छाज्ञान.com और तुम्हें कुछ इस तरह का पेज दिखाई देगा। यहाँ पे बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस अवेलेबल है, तो अगर अभी तक भी चेक नहीं किया है तो चेक कर लो भाई। ओके, अगर बात करें इस मेडिकल कॉलेज की इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे गुड लुकिंग लगी एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत पुराना हुआ भी नहीं है मेडिकल कॉलेज, तो डैट्स वाई इसकी इंफ्रास्ट्रक्चर वो काफ़ी गुड लुकिंग है। ओके,
कुछ और पिक्स देखते हैं, तो ये इसके एकेडमिक ब्लॉक की पिक्स है, ओके। सो ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर मुझे इसकी काफी सही लगी, ओके। अगर हम बात करें इस मेडिकल कॉलेज की रैंक की, तो ऑल इंडिया में यार इसको रैंक मिलती है 322, ओके, तो जो कि बहुत ही ज्यादा है। एंड दिस इज द ओनली मेडिकल कॉलेज इन त्रिपुरा स्टेट, सो स्टेट रैंक हम इसकी यहाँ पे नंबर वन कंसिडर कर सकते हैं, ओके। अब बात कर लेते हैं बोर्न एंड स्टाइफंड की, तो यार त्रिपुरा के अंदर अगर तुम MBBS करते हो तो यू नीड टू सर्व फॉर 5 years, तो तुम्हारा बोर्न पीरियड यहाँ पे 5 साल का रहने वाला है। एंड ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप यू विल गेट अ स्टाइफंड ऑफ अप्रोक्स 20,500 रुपीज पर मंथ, ओके। लगभग है, बहुत एग्जैक्ट डेटा मिल नहीं पाया था, तो इसलिए कुछ इसको इस तरह का रखना पड़ा। कुछ ऑब्जर्वेशन थी, डिफरेंट थी, तो उनका एवरेज हमने लगा दिया, ओके। सो ये बात हुई बोर्न एंड स्टाइफंड की। तो यार ये थी आज की हमारी वीडियो, आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए यूजफुल रही होगी। इफ यू फील की वीडियो ने थोड़ी भी हेल्प किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय श्री राम।